हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का छठवां महीना कैसा होता है। तो प्रेगनेंसी के छठवें महीने में मदर में क्या चेंजेज आते हैं, बच्चे में क्या चेंजेज आते हैं, इस टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, अब तक बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस 6 मंथ पे बेबी का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और बेबी का जो वेट होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेबी में फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा बेबी का जो कलर होता है, इस समय रेडिश उसकी स्किन जो होती है वो रेडिश कलर की होती है, क्योंकि इसमें अभी मेलानिन डिपोजिशन नहीं होता है। वो आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मेलानिन डिपोजिशन किस मंथ में स्टार्ट होता है। और बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, उसके हाथ पैर मुंह वगैरह सब कुछ बन चुका है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बन गए हैं। बेबी का वेट उसका 1 kg तक बढ़ जाता है। फर्स्ट मंथ से 5th मंथ तक बेबी का वेट धीरे धीरे गेन होता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ के बाद 1 kg के अराउंड वेट हो जाता है, स्पीड से गेन होता है। और बेबी का वेट बढ़ने की वजह से बेबी बम भी मदर में प्रोमिनेंटली दिखाई देने लगता है और बेबी के मूवमेंट्स मदर के बम में प्रॉपर दिखाई देते हैं। बेबी के जो बोन्स हैं उनमें मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेबी में स्वेलोइंग निगलने की क्षमता बढ़ जाती है और बेबी में शकिंग रिफ्लेक्स आ जाता है। इस मंथ में बच्चे में जो लेनिग्यो हेयर्स हैं पूरी बॉडी में प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। डिलीवरी के टाइम में ये लेनिग्यो हेयर्स शट ऑफ हो जाते हैं, आफ्टर डिलीवरी ये बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं। बच्चे में इस समय पे 6 मंथ पे एक क्रूशियल चेंज होता है, बच्चे की आई ओपनिंग होती है। 5th मंथ तक बच्चे का आईलिड बंद रहता है, लेकिन 6 मंथ पे बच्चा आँखें खोलता है। एक उसका स्लीप साइकिल मेंटेन हो गया होता है, वो कुछ समय के लिए जगता है, कुछ समय के लिए सोता है। 6 मंथ में बच्चे में हेयरिंग सेंस आने लगता है, तो वो बाहर की जो यूट्रस से बाहर की जो भी आवाज़ें होती हैं, वॉइस होती हैं, आप जो भी बातचीत कर रहे होते हैं वो सब बच्चे को सुनाई देती है। तो आप इस टाइम पे बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं या कुछ भी जो बच्चे को बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स भी शो कर सकते हैं, तो वो सब सुनता है। सो अब बात करते हैं मदर में क्या क्या चेंजेज होते हैं। इस समय में मदर में इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि मदर में बच्चे का साइज बढ़ रहा होता है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, चेंजेज आते हैं, उसकी वजह से ड्राइनेस की वजह से इचिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको मॉइस्चराइज़र या कोई कोकोनट ऑयल वगैरह लगा के भी इचिंग सब्साइड नहीं हो रही है, तब भी बढ़ी हुई लग रही है, तो उसमें इट मे बी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से इचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइम पर हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देते हैं जिससे कि रिलीफ आ जाता है। इसके अलावा बेबी बम प्रॉपरली दिखने लगता है, एक नेवल के नीचे से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक डार्क कलर की ब्लैक लाइन दिखने लगती है, को हम लीनिया नेग्रा बोलते हैं। इस समय पे बेबी की ग्रोथ होने की वजह से मदर का स्पाइन कर्व्ड हो जाता है और स्पाइन का पोस्चर होता है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से उस पेशेंट को अगर पहले से ही बैकएक का प्रॉब्लम है तो बैकएक का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है या तब से बैकएक स्टार्ट हो जाता है। इस समय पे स्ट्रेच मार्क्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस समय में आपको मूवमेंट काउंट करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। अगर आपको मूवमेंट बच्चे के नहीं फील हो रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि कुछ मीठा खा लें, कुछ खा लें और लेफ़्ट साइड करवट लेके 2 घंटे के लिए आपको लेटना है, उसमें देखना है मूवमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर आपको मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि मूवमेंट नहीं हुए हैं काफ़ी देर से, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आफ्टर 5th मंथ, 6 मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ पेशेंट को एक कंप्लेंट होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है तो यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से वो डायफ्राम को पुश करता है जिसकी वजह से लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड होने लगते हैं और ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। जिन लोगों को ये दिक्कत होती है, तो जो लोग हल्का फुल्का काम भी कर लेते हैं तो सांस फूलनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा ऊपर नीचे जाते हैं तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स होते हुए हल्का फुल्का काम करते हैं, फिर आप थोड़ा रेस्ट करिए, फिर उसके बाद ही काम करिए। और हाँ, इस टाइम पीरियड में थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको दोपहर में भी एटलीस्ट 1 से 2 घंटे सोना है, रात में एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, नींद बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी सांस फूल रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इट मे भी कोई डिजीज़ भी हो सकती है, तो टाइम रहते चीज़ें पता चल जाएंगी, अदरवाइज आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, उससे बेबी पे भी असर पड़ेगा।
सो जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा, बेबी का वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉडी में पेन होना, यूरिन पास करने के लिए अर्जेंसी होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे आफ्टर डिलीवरी। ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। सो ये सारे चेंजेज होते हैं 6 महीने में। गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।